सज्जनों, फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल में। बहुत प्यार, बहुत लाइक्स, बहुत सब्सक्राइब आपने किया है, साथ ही साथ कई सारे कमेंट्स किए हैं। और पिछले वीडियो में जहां पे हमने डॉक्टर सुमन यादव से बात करी थी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से रिलेटेड, कई सारे आपके किए हुए सवाल हमने उनके ऊपर दागे थे, जिनको उन्होंने बड़ी बखूबी से सारे सवालों के जवाब दिए और बताया उन्होंने कि जब से कॉलेज है तब से किस तरीके की प्लेसमेंट यहां से निकली है, बच्चों की इंटर्नशिप किस तरीके कंपनीज में बच्चों को मिली है, साथ ही साथ पे पैकेज के बारे में भी उन्होंने काफी कुछ अच्छे तरीके से बताया। पिछले वीडियो के अंत में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको अगले वीडियो में लेके चलेंगे और हम बात करेंगे मिस दीपिका कुमारी से, जो कि यहाँ पे जितनी भी क्लब्स एंड सोसाइटीज हैं सबको कोऑर्डिनेट करती है और जितने भी इवेंट्स होती हैं सोसाइटी के माध्यम से, जितने भी इवेंट्स होती हैं सबको वो देखती हैं और उनका कोऑर्डिनेशन होता है बच्चों के साथ। इनके जितने भी सोसाइटीज हैं सब ने आईपी यूनिवर्सिटी के स्टेज पे या फिर किसी भी और यूनिवर्सिटी के स्टेज पे अच्छा खासा नाम कमाया है। इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ है मिस दीपिका कुमारी। चलिए बात करते हैं। दीपिका मैम, गुड मॉर्निंग। दीपिका मैम, आपको शायद पता होगा कि अभी आईपी यूनिवर्सिटीज की एडमिशन चल रही है, तो एडमिशन के दौरान हमारे चैनल के माध्यम से कई सवाल आते हैं कि जी हमारा बच्चा जो है या हमारी बेटी या हमारा बेटा जो है वो म्यूजिक में, आर्ट्स में, ड्रामा में काफी स्कूल के लेवल से ही काफी एक्टिव रहा और उसने कई नाम कमाया, तो अगर हम आपके कॉलेज में आते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ करवाते हैं तो क्या उसको जो प्लेटफॉर्म स्कूल के लेवल पर मिला था क्या वही प्लेटफॉर्म उसको यहाँ पे अपना हुनर दिखाने का मिल पाएगा, तो उसके बारे में क्या जवाब देंगे? जी सर, हमारा कॉलेज FIMT बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देता है अपना टैलेंट दिखाने के लिए, जिसमें कि वो बहुत सारी सोसाइटीज़ FIMT कॉलेज में बनाई हुई हैं, बच्चे वहाँ पे परफॉर्म करते हैं और अपना टैलेंट दिखाते हैं, जैसे कि थिरक सोसाइटी जो कि हमारी डांस सोसाइटी है, जहानत सोसाइटी जो कि हमारी ड्रामा सोसाइटी है, अहम सोसाइटी जो कि हमारी म्यूजिक सोसाइटी है, एंड हमारी श्रीजन सोसाइटी जो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी सोसाइटी है। तो दीपिका मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये सोसाइटीज जितने भी आपने अभी बताए हैं, कोई नया स्टूडेंट अगर आता है एडमिशन लेता है तो इन सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए क्या प्रक्रिया रहती है और क्या आप किसी प्रकार का ऑडिशंस वगैरह भी लेते हैं इन सब के लिए, तो उसके लिए हम जानना चाहेंगे आपसे। हाँ जी सर, FIMT कॉलेज हर साल इन सोसाइटीज में बच्चों को एडमिशन के लिए और बच्चों को इसमें इंटीग्रेट करने के लिए जो है ऑडिशन कराता है हर साल। ये सब सोसाइटीज का हर साल ऑडिशन होता है। हमारी थिरक सोसाइटी जो कि डांस सोसाइटी है, उनका हम ऑडिशन लेते हैं बच्चों का डांस का, और उसमें हम एडमिट करते हैं बच्चों को थिरक सोसाइटी के, जो कि अच्छे डांसर्स हैं और जो अपना टैलेंट दिखाते हैं। जी, तो दीपिका मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कॉलेज के बच्चे ड्रामा में, म्यूजिक में और तमाम तरह के अलग अलग इवेंट्स में, कल्चरल इवेंट्स में, क्या कॉलेज के अलावा कहीं और भी गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए? हाँ जी सर, इन सभी सोसाइटी के स्टूडेंट्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ना कि इन हाउस एक्टिविटीज FIMT की में पार्टिसिपेट करते हैं, आउटसाइड दी FIMT भी काफ़ी जगह परफॉर्म करते हैं, नॉट इन दिल्ली, दिल्ली ये आउटसाइड दिल्ली भी परफॉर्म करते हैं, और बहुत सारे प्राइजेस भी हमारे कॉलेजेस के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए ये लोग जीतते हैं, जैसे कि हमारी थिरक सोसाइटी जो कि डांस सोसाइटी है, डांस सोसाइटी के स्टूडेंट्स हमारे बहुत अलग अलग तरह अलग अलग जगह इन लोगों ने परफॉर्म किया है, जैसे कि IIT दिल्ली, IIT गोवा, IIT जम्मू में इन्होंने अलग अलग जगह परफॉर्म किया और प्राइजेस भी जीते हैं इन्होंने। IIT गुवाहाटी में भी अभी इन्होंने रिसेंटली परफॉर्म किया था, जिसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ने प्राइजेस जीते हैं। ये लोग अलग अलग कैटेगरी में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि क्लासिकल डांस, ठीक है, फ्री स्टाइल डांस एंड नच बल्ली डांस, इन इन कैटेगरी में ये लोग परफॉर्म करते हैं।
अहम सोसाइटी जो कि हमारी म्यूजिक सोसाइटी है, इसमें भी बच्चे अलग अलग कैटेगरी में परफॉर्म करते हैं। इन दिल्ली और आउटसाइड दी दिल्ली और इन हाउस एक्टिविटीज में भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इंडियन वोकल में परफॉर्म करते हैं एंड बैटल्स ऑफ बैंड में भी ये परफॉर्म करते हैं। और जो कि हमारी जहानत सोसाइटी है, जो ड्रामा सोसाइटी है, इसमें बच्चे परफॉर्म करते हैं, ड्रामा करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं अलग अलग जगह। ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी बच्चे परफॉर्म करके आए हैं और बहुत सारे नुक्कड़ नाटक के थ्रू वो सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाते हैं, सोशल इश्यूज बताते हैं लोगों को कि क्या क्या सोशल इश्यूज है और हमें उस पर कैसे काम करना चाहिए। वो अपने नुक्कड़ नाटक के थ्रू सोसाइटी में एक अवेयरनेस फैला रहे हैं। देवियों सज्जनों, आपने देखा किस तरीके से मिस दीपिका कुमारी ने जो सोसाइटी का FIIT के जो सोसाइटीज हैं उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, न केवल कॉलेज के लेवल पे बल्कि यूनिवर्सिटी के लेवल पे, और न केवल यूनिवर्सिटी के लेवल पे, इनफैक्ट पूरे पैन इंडिया लेवल पे यहाँ के बच्चों ने अपने परचम लहराए हैं। मैं दीपिका मैम आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बच्चा इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, ड्रामा में, आर्ट में, म्यूजिक में, पढ़ाई का कोई नुकसान? नहीं सर, इसमें पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होता है। इसमें बच्चों को नोट्स और यहाँ की फैकल्टी उनको पूरा सपोर्ट करती है और पूरा का पूरा FIIT कॉलेज इन सभी सोसाइटी के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। दीपिका मैम, पिछले दिनों सोशल मीडिया में काफी ये चीज बज में था कि FIIT के जो IT यूनिवर्सिटी की जो एनुअल फेस्टिवल है जो काफी पॉपुलर है अनुगुंज के नाम से, उसमें FIIT ने प्रीलिम्स को होस्ट किया था और जो होस्ट किया गया था तालकटोरा स्टेडियम में, क्या उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगी 2023 का अनुगुंज फेस्ट जो कि तालकटोरा प्रीलिम्स जो कि तालकटोरा स्टेडियम में FIIT ने ऑर्गेनाइज कराया था, उसमें Zone 3 का वो अनुगुंज प्रीलिम्स था और उसमें 17 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था और डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट बच्चों ने परफॉर्म किया और वहाँ पे भी अलग अलग कॉलेजेस ने और FIIT ने वो प्रीलिम्स जीते हैं और उस प्रीलिम्स के जीतने के बाद वही बच्चे अनुगुंज मेंस में गए। तो देवियों सज्जनों, ये थे मिस दीपिका कुमारी जिन्होंने किए गए सारे सवाल क्लब्स और सोसाइटी से रिलेटेड, जो भी सवाल हमने इनसे किए हैं उनकी बड़े बखूबी से इन्होंने जवाब दिया। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ के बच्चे अलग अलग लेवल पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कॉलेज का नाम गमा चुके हैं, अपना नाम बनाया उन्होंने और किसी भी तरीके की कोई भी बंदिश नहीं होती है। अगर आप ड्रामा या आर्ट्स या पेंटिंग या किसी भी चीज से आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ यकीनन आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसमें आप अपनी हुनर को, आप अपने स्किल को और भी तराश सके और अपना और अपने कॉलेज का नाम कमा सके। सर मैं आपको जी मैं एक लास्ट और एक बाइट लेना चाहूंगा दीपिका मैम से। जी मैम कहिए। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी 2023 के अनुगुंज मेंस में FIIT के बच्चों ने बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं, जैसे कि डांस सोसाइटी में जो कि हमारी थिरक सोसाइटी है FIIT की, उसमें क्लासिकल कैटेगरी में उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता, नच गलिए में उन्होंने सेकेंड प्राइज जीता और बैटल ऑफ बैंड्स में भी उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता। ओके दीपिका मैम, मैं आपको और आपके स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट आके इन सोसाइटीज में एनरोल करेगा डेफिनेटली उसके लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है FIIT ने कि उसने एक्सेल ही करना है, वहां से अपना नाम ही बढ़ाना है अपना और साथ ही साथ कॉलेज का भी नाम बढ़ाना है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही देवियों सज्जनों, इस वीडियो को यही हम एंड करेंगे और आज हमने आपको न केवल डॉक्टर सुमन यादव जो कि प्लेसमेंट इंचार्ज है उनसे बात कराई, शुरुआत हमने करी थी NCC से जहां पे मिस्टर जय कुमार ने बड़ी बखूबी से NCC की क्या भूमिका है बच्चों के डेवलपमेंट में FIIT में वो उन्होंने बताया, स्टूडेंट प्लेसमेंट का और इंटर्नशिप का बड़े ही अच्छे ढंग से डॉक्टर सुमन यादव ने जवाब दिया किस तरीके की प्लेसमेंट्स, किस तरीके की इंटर्नशिप होती है।
आज वीडियो को हम एंड कर रहे हैं मिस दीपिका कुमारी के साथ, जिन्होंने क्लब्स और सोसाइटी का अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों के डेवलपमेंट में, उनके स्किल डेवलपमेंट में, उसके बारे में एक एक चीज उन्होंने बताया। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे बच्चों को अलग अलग इवेंट में अलग अलग अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिले। हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एक बार FIMT के प्रांगण में आके आप इसको विजिट करें, क्योंकि एडमिशन का टाइम है, सारे लोग हैं यहाँ पे जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके सवालों को समझेंगे और उन सवालों के जवाब आपको देंगे। आइए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।